कांग्रेस मेंबर्स प्रेसिडेंट जो बाइडन के खत लिखी छो है इन खैर पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड किया है रिएक्ट किया है तनकीद भी कई है अंदरूनी मामले में अमरीका छो इंटरफेयर करे पो हुकूमत की गाल बिल्कुल ठीक है तो कांग्रेस के चवण से कें आजाद कह उतना के मूल हू पाकिस्तान थोड़े हलन था तो उनके मुताबिक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर थी सके तो पर कानून तौर से कें पॉसिबल है तो वो मुतालबा कन सुबह कें मुतालबो कन था तो इनके आजाद कर उनके आजाद कर आजाद कर पाकिस्तान की हुकूमत ये ना सीधो हि बेसिकली बुशरा बीबी की रहा है कंप्रोमाइज जो नतीजो है इनके डील आए आई डील के नतीजे में कंप्रोमाइज थो है कंप्रोमाइज में असा ठीक है टू थर्ड जहां तरमीम पी असो घो ड्रामाबाजी कहीं तुम ठो तो कमेटी ठही उनमें नाला भी दिना वा पीटीआई तरफा जोड़ी बाद में बाइकाट पर आयन तो सही नोटिफिकेशन थो हिस्सो है उन्होंने फॉर्मली दिनों हाँ इन सिलसिले में को खास मुख्य नजर नो अचे हाँ इट्स ऑल ओवर फॉर पीटीआई सिवाय हाँ सियासी तौर से वापस अचान का सिवा बो को चारो को पाकिस्तान में हाँ पीटीआई वट ही जो टे चार पिलर्स हुआ जो प्रोजेक्ट इमरान खान हो उनका जे टे चार पिलर्स हुआ उनो आखिरी प्लेयर चीफ जस्टिस साहब मंसूर अली शाह साहब वो खत्म थो वो कल छवी तरमीम का मामलो ऑल ओवर थी वो है हाँ प्रोजेक्ट टे पिलर हुआ जनरल फैज साहब हो इमरान खान खुद हो ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब हो या आखिरी पिलर जो हो मंसूर शाह साहब हो वो भी खत्म थी गए हाँ इमरान खान वट पीटीआई वट कुछ बचो को सिवाय इनके तो सियासत कन सियासत कन हि जो इंतशार खटा रहा वह हाँ उनकी गुंजाइश है को हाँ सब शन तमाम वाजे तौर से सामू अची व्यू हैं अज मंसूर शाह साहब बिल्कुल।